हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। और आज हम आए हैं फलों के राजा आम के महोत्सव में, जो कि लगा है अवध शिल्प ग्राम, जो कि पड़ता है लुलू से पहले राइट हैंड साइड पे। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे काफी भीड़ है। ये अवध शिल्प ग्राम का पार्किंग एरिया है। और अवध शिल्प ग्राम में ऐसे बहुत से सोशियो कल्चर इवेंट्स होते रहते हैं। इसमें काफ़ी एम्पल स्पेस है, पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है, और इसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है कि गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं मिल रही है। तो आइए, चलिए एंटर करते हैं आम महोत्सव में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत ढेर सारे आम खरीद रखे हैं, साथ ही साथ आम के पेड़ भी लोग लेके यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नर्सरियों ने आम के पेड़ों का भी एग्जीबिशन लगा रखा है। और आम महोत्सव के साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल सिल्क एक्सपो भी चल रहा है, तो दोनों चीज़ें साथ ही साथ चल रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। तो आइए, चलिए एंटर करते हैं। और ये है इसका एंट्रेंस एरिया, जो कि इसकी एंट्रेंस एरिया बहुत खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा सा लुक, एक्सक्यूजिट लुक है इसका। साथ ही साथ आप नेशनल सिल्क एक्सपो का भी एड देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है। जैसे ही शाम का टाइम हो रहा है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है और अब वहाँ की लाइटें भी काफ़ी ऑन हो चुकी हैं। ये देखिए काउंटर्स पे किस तरीके से भीड़ उमड़ी पड़ी है, और काफ़ी डेकोरेटिव प्लांट्स, डेकोरेटिव आइटम, हाउस होल्ड आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्प्ले पे हैं। ये देखिए तरह तरह के आम लोगों ने डिस्प्ले पे लगा रखे हैं, जगह जगह से लाके। काफ़ी मलिहाबाद के आम हैं, उसके आसपास के एरिया के फेमस आम हैं, और बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ भी हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। और यहाँ काउंटर्स पे इतनी भीड़ है, और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम अंदर मेन हॉल में एंटर ही नहीं कर पाए और वहाँ वीडियो बन ही नहीं पाया। ये देखिए किस तरीके से काउंटर्स पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे हैं, जगह जगह के आयुर्वेदिक आइटम्स भी हैं, टॉयज़ हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम्स हैं, जो कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत जगह जगह की दवाइयाँ और बहुत सारे आयुर्वेदिक आइटम्स भी हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज से भी इम्पोर्टेड आइटम्स भी रखे हुए हैं, जैसे कि बाहर फॉर टर्की की चॉकलेट्स, हमने यहाँ से एक जली और चॉकलेट्स ली जो कि बहुत टेस्टी थी। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये यहाँ के डोमेस्टिक जो भी आयुर्वेदिक और आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के प्रोप्राइटर्स हैं और फर्म्स हैं उन्हें, और हैंडीक्राफ्ट्स के फर्म्स हैं, उन्होंने अपने आइटम्स डिस्प्ले पे लगा रखे हैं, जो कि बहुत ही एक अलग टाइप के एक्सक्लूसिव टाइप के आइटम्स हैं। और इंडिजिनस डिज़ाइनर्स और इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट्स वालों के द्वारा बनाए गए। बहुत सारे ऐसे अचार हैं, बहुत सारे जली हैं, और बहुत तरह तरह के हनी हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो जल्दी कहीं पे शहर में आपको नहीं मिलेंगे। और लोग इसको भी बहुत ट्राई कर रहे हैं, और उन काउंटर्स पे भी काफ़ी भीड़ है, क्योंकि आजकल लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की तरफ काफ़ी लोगों का रुझान हो गया है, क्योंकि अब एलोपैथी को छोड़ के लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को और फिट रहने की तरफ ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का भी काफ़ी लोग
में भी काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये देखिए, आम के बहुत सारे यंग जो पेड़ हैं और वो नर्सरीज ने अपने अपने एग्जीबिशन पे लगा रखे हैं। ये देखिए, ज्वेलरी आइटम्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये तरह तरह के अचार और हनी हैं, और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत सारा सामान यहाँ अवेलेबल है, जिसमें बच्चे और यंगस्टर्स काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूजली हैंडीक्राफ्ट्स के हैं, ज्वेलरी आइटम्स हैं, जो कि यूजली हर दुकानों पे अवेलेबल नहीं होते, बट ये बहुत ही अलग से लुक के और बहुत ही फाइन लुक के आर्टिकल्स और चीज़ें हैं जो कि लोकल डिज़ाइनर्स ने यहाँ पे एग्जिबिट कर रखे हैं। और आप ये देखेंगे कि हर एक काउंटर भीड़ है, कोई भी काउंटर खाली नहीं है। इससे ये पता चलता है कि हर लोगों को कितना इसमें मज़ा आ रहा है, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और हर एक एज ग्रुप का आदमी, हर एक एज ग्रुप का बच्चा आपको मिलेगा। ये देखिए, तरह तरह के आम की वैरायटी है, तरह तरह की जली, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह की चीज़ें जो यहाँ डिस्प्ले पे आपको मिलेंगी। और अभी तो सिर्फ ये बाहर का ही एरिया हमने कवर किया है जिसमें इतनी भीड़ है। यहाँ तक कि इवन ओपन स्पेस में भी नर्सरी आइटम्स का डिस्प्ले करा गया है, जहाँ पे आम के पेड़ और तरह तरह के उनके सीडलिंग्स, और जहाँ भी आप देखेंगे, देखिए भीड़ ही भीड़ है, ओपन एरियाज में भी खड़े होने की जगह नहीं है। देखिए किस तरह से आम के पौधे मिल रहे हैं, तरह तरह के पौधे जो लोग इंटरेस्ट, जिसमें बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से लोग भर भर के आम ले जा रहे हैं, आम के पेड़ लेके जा रहे हैं। और ये आवत शिल्पग्राम का प्ले एरिया है, जहाँ पे बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुली बना हुआ एरिया, जहाँ पे तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, और यहाँ से अवध शिल्पग्राम का चारों तरफ का व्यू आता है, जो कि शाम के टाइम बिल्कुल देखने वाला नज़ारा होता है। और देखिए किस तरह से बच्चे और उनके पेरेंट्स दोनों वहाँ पे मज़े ले रहे हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि अवध शिल्पग्राम एक ऐसी सोशियो कल्चर प्लेस है, जहाँ पे हर महीने या कह सकते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली सोशियो कल्चर प्रोग्राम्स और बहुत सारे एक्सपो और ये सब एग्जीबिशंस लगते रहते हैं, जिसका आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं। हमेशा चेक करते रहिए कि यहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ पे ज़रूर होता है। और देखिए, अब काफ़ी शाम और रात का समय होने वाला है, और लाइट्स अभी भी काफ़ी सारी ऑन हो रही हैं और ऑन हो चुकी हैं, और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, क्योंकि रात के समय जब ये प्लेस में लाइट्स चलती हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आता है, बहुत खिलता हुआ लुक आता है। और देखिए अभी भी भीड़ कम नहीं हुई, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आम महोत्सव हर समर्स में एक बार यहाँ पे ज़रूर लगता है, तो जब भी लगे आप इसको ज़रूर चेकआउट करिए, और यहाँ पे आपको तरह तरह के आम की वैरायटीज़ मिलेंगी। ये देखिए आम के पेड़ हैं, तरह तरह के आम रखे हुए हैं, और ये देखिए और भी छोटे छोटे आम, तरह तरह के पौधे जो कि हाइब्रिड पौधे भी हैं, बहुत सारे लोकल इंडिजिनस प्लांट्स भी हैं, जो तरह तरह की नर्सरीज़ हैं जो लखनऊ की हैं और लखनऊ के बाहर की भी हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके कांटेक्ट नंबर्स हैं, उनके डिस्प्लेज हैं, जिससे आपको उन चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाती है। और ये देखिए अभी भी बाहर से भीड़ आ ही रही है, और नियर अबाउट हम सारा आम महोत्सव घूम ही चुके हैं, तो हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
और जाते जाते आप ये देख सकते हैं कि पार्किंग एरिया से और मेन एंट्रेंस से आप देख सकते हैं कि अभी भी भीड़ कैसे आ रही है, और लाइट्स यहाँ पे जल गई हैं जो कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं, अलग अलग कलर्स में, पिंक कलर में, येलो कलर में यहाँ पे बाहर के साइड में लाइट्स जल रही हैं, जो कि इसको बिल्कुल एक अलग सा ही लुक देती हैं, इतना खुशनुमा लुक देती हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ज़रूर से आएँ, जब भी यहाँ पे कोई सोशो कल्चर इवेंट्स हो रहे हों, कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई एग्जीबिशन हो रहा हो, तो अवध शिल्प ग्राम को एक बार ज़रूर विज़िट करें और देखिए यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, आप लोगों से मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सब लोगों से बाय।